कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोग को नवरात्रि की नवमी की सबको बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ। और लास्ट है नवरात्रि, तो मैं नवरात्रि की पूजा की हुई हूँ, यानी कि नवमी की। और आज पारण भी है, तो मैं 9 दिन तक फास्टिंग रखी हुई थी, तो पारण वारण हो गई है। और मैं जो बनाई थी वो शेयर की हुई, पूजा भी शेयर की हुई हूँ आप लोग से। तो सब मैं वीडियो डालूँगी, याद में देखिए जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और मैं माफ़ी चाह रही हूँ जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी फैमिली है, तो उनसे कि मेरी डेली वीडियो नहीं जा रही है। कोशिश कर रही हूँ, करूँगी और बनाते रहूँगी। देखिए चैनल बनाई हूँ तो करूँगी, क्विट नहीं करूँगी। मैं भी सोच रही हूँ, आप लोग बहुत मिस करते हैं हमें, तो मैं आप लोग के लिए वीडियो डालूँगी। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ गाइस आप लोग अनसब्सक्राइब मत करिए। डेली 10-15 चला जा रहा है, हमको लगता है मेरा वो जो खुला हुआ है 1000 का, वो भी अब नीचे गिर जाएगा, ऐसे जा रहा है। तो आप लोग ऐसा मत करिए, मैं किसी को अनसब्सक्राइब नहीं करती हूँ। और मेरे चैनल पे जो भी नए आ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करके वीडियो को आप लोग ढेर सारा अपना प्यार दीजिए। अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए, मैं ये बोलूँगी आप लोग से। और वैसे आप लोग बहुत प्यार देते हैं। और एक और बात मैं आप लोग से वो कहना चाह रही हूँ कि मैं पहले वीडियो में आप लोग से बताई थी कि मेरे जो घर में नए सदस्य आए हुए हैं, मैं उन लोगों से मिलाऊंगी। बहुत क्यूट है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो मेरा टाइम उसी में पास हो जाता है, उसी में बिजी रहती हूँ। तो आइए मैं मिलाती हूँ, और बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा ये मेरे घर के मेहमान नहीं सदस्य बोलूँगी, सदस्य हैं लोग। तो चलिए आइए मिला। ये है टॉमेन। तो ये बहुत क्यूट है, और हम लोग छोटा लाए हुए हैं, और ये बहुत अभी गुस्से में है, इनसे आप लोग मिल लीजिए। और बहुत अच्छे हैं। और एक और है जो जेरी है, दो हम लोग पाले हुए हैं। ये जेरी है, ये देखिए, तो दो है। आ जाए टॉमेन, कम। तो चले गए गुस्सा होके, तो उनसे भी मैं दोनों को एक साथ मिला रही हूँ। अनमोल रतन है, और ये दोनों को कैसे लग रहा है तो आप लोग प्लीज बताइएगा। हाय कर दो। हाय कर दो जेरी, कम। तो ये देखिए, तो ये सबको हैप्पी नवरात्रि, टाटा टाटा करो। सबको बोलो आप लोग ढेर सारे सब्सक्राइब करिए प्लीज चैनल को, और आप लोग देखा करिए। और इन लोग को अगर आप लोग को इन लोग को पूरा एक्टिविटी रूटीन दिखना पसंद करेंगे, तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। मैं शेयर करूंगी इन लोग को पूरी फूड रूटीन। तो ये मेरे पेट लोग का एक्टिविटी आप लोग से शेयर कर रही हूँ। देखिए कितना क्यूट लग रहे हैं ना, बहुत प्यारे हैं ये दोनों। दोनों का नाम मैं आप लोग से बताई भी, एक का टॉमन है, एक का जेरी है। तो बहुत क्यूट है दोनों, बहुत अच्छा लगता है, इन्हीं में मेरा टाइम पास हो जाता है। देखिए बनाने के लिए कैसे ये लोग कर रहे हैं। और मैं वैसे साड़ी पहनती नहीं हूँ, तो साड़ी पहनी हुई है, तो एक तो मेरा साड़ी पे ऐसे लटक रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है इन लोगों के साथ में। तो मैं शेयर कर रही हूँ, मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग से बताई थी पहले वीडियो में, जो पहले डाली हुई थी, कि मैं मेरे घर में दो नए सदस्य आए हुए हैं, तो मैं मिलाऊंगी। देखिए लड़ रहे हैं दोनों, ये देखिए कैसे, मैं बताई थी ना कैसे पकड़ के लटक रहे हैं कि क्या है गोदी में आने के लिए, बहुत अच्छे हैं। मैं नवरात्रि की तैयारी कर रही हूँ, तो कल नवमी में हम लोग ने पूजा की हुई थी। मैं आज वॉइस कर डाल रही हूँ, इसलिए कल की बोल रही हूँ, तो कल की है ये। तो खीर बना रही हूँ, खीर पूरी सब्जी बनाते हैं हम लोग, और पूरा निरामिष बनाते हैं। तो मैं 9 दिन की फास्टिंग रखी हुई थी, इसीलिए कोई वीडियो नहीं डाल पाई, और बहुत काम हो गया था। मैं खीर चढ़ा दी हूँ और आटे लगा लूँगी अच्छे से। और हाँ, मैं आप लोग से एक बात बता दे रही हूँ, मैं कन्या पूजन नहीं की हूँ, क्योंकि लॉकडाउन में यहाँ पे बहुत रिस्की है किसी को घर में बुला के कुछ हो जाए, तो इसीलिए मैं घर में ही पूजा चढ़ा के दुर्गा माँ को, और हम लोग पूरा खाए। तो मैं आटे लगा ले रही हूँ फटाफट, और ये थोड़ी बड़ी है क्लिप, तो प्लीज़ गाइस आप लोग सपोर्ट करिएगा, देखिएगा, क्योंकि मेरा टाइम बहुत कम ही मिला है, वाच टाइम बढ़ा नहीं है। मैं वीडियो बनाई नहीं हूँ, इसमें किसी का गलती नहीं है, मेरा ही गलती है इसीलिए। और इतना लंबा टाइम निकल भी गया, डेली मैं डाल भी नहीं रही हूँ, तो थोड़ी बड़ी बड़ी डाल रही हूँ। तो प्लीज़ गाइस आप लोग सपोर्ट करिएगा। ये मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, देखिए पंचफोरन है,
बिना लहसुन प्याज का ये सब्जी है और तेज पत्ता दो सूखी मिर्च डाल के बनाऊंगी। बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है, आप लोग एक बार ट्राई करिएगा। मैं दिखा रही हूँ ये आप लोग से, ये पंचफोरन है। अरे चटक जाएगा, तो मैं सब्जी डाल दूंगी। और फटाफट बना रही थी क्योंकि कल 9 बजे तक ही ऐसे मुहूर्त था नवमी का, उसके बाद से दसवीं हो जाने वाली थी। ये सब्जी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों से, आलू मटर और गोभी है। तो अपनी घर की पूजा कर रही हूँ, सभी करते हैं, तो आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे करते हैं। मैं ऐसे करते आती हूँ। और देखिए, मन में आस्था हो तो जैसे भी पूजा करिए, सब अच्छा ही होता है। मैं सब्जी और खीर पूड़ी हम लोग का बनता है तो मैं वही बना रही हूँ, फटाफट बना रही हूँ। सुबह का टाइम है, ये सुबह का है, करीब 7 बजे का क्लिप, और मैं वॉइस आज डाल रही हूँ, आज ही वीडियो अपलोड करूँगी। मंडे है आज में और कल संडे था। ये देखिए सब्जी मैं छोंक दी हूँ और इसको थोड़ी मीडियम में तेल में इसको अच्छे से चला चला के भून लूँगी। मैं लो स्टीम में इसे नहीं पकाऊँगी। जब मैं इसमें मसाले डालूंगी, मैं सब्जी को फ्राई करके उसके बाद मसाले डालूंगी, मसाले भून के नहीं डालूंगी, क्योंकि इसमें प्याज और लहसुन नहीं है ना, तो थोड़ी सब्जी को पहले फ्राई करना पड़ता है, तो ऐसे टेस्ट अच्छा आता है। तो मैं वही शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। देखिए नमक डाल रही हूँ ताकि ये सीज जाए, गल जाए यानी कि। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा, ये टमाटर है क्योंकि प्याज है नहीं, तो टमाटर डालूंगी। अब मैं सारे मसाले डाल दूंगी जो नॉर्मली सभी मसाले डालते हैं। ये हल्दी पाउडर है, और वैसे 9 दिन से फास्टिंग था तो थोड़ा चटपटा ही बनाऊंगी। ये धनिया पाउडर है, करीब 2 चम्मच डालूंगी। ये देखिए, कोशिश करती हूँ सब आप लोग से अच्छा दिखाने के लिए। और प्लीज़ गाइस, अगर कुछ कमी है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये जीरा पाउडर है, ये लाल मिर्च पाउडर है, तो मैं थोड़ी तीखी बनाऊंगी इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मिर्च डाल रही हूँ, आप लोग अपना अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। ये गरम मसाला भी मैं अभी ऐड कर दे रही हूँ, और जो टमाटर डाली हुई ना, ये थोड़े सीज के गल के और मसाले उसी में भून जाएंगे। अब कम स्टीम कर दूंगी मैं, इसका फ्लेम मत यानी कि इसका लो फ्लेम करके अब पूरी अच्छे से ढक दूंगी, ताकि टमाटर की पानी जब उसमें से छोड़ेगा ना, तो मसाला भी अच्छे से भून जाएगा। इसको मैं कम करके, देखिए आप खीर चला रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट करिए। और चीनी मैं डाल दे रही हूँ, चीनी अपना हिसाब से ले लीजिएगा आप लोग। और मेरी वीडियो को आप लोग लाइक करके देखिए और अनसब्सक्राइब मत करिए, बहुत अनसब्सक्राइब हो रहा है, तो आप लोग प्लीज़ ऐसा मत करिए। वैसे भी मैं वीडियो डाल नहीं पा रही हूँ डेली, हफ्ता 10 दिन लग जा रहा है वीडियो डालने में, तो इसके लिए बहुत अफसोस रहता है। और माफ़ी भी चाहती हूँ कि ऐसा थोड़ी चलता है चैनल खोल के और इतना ये करने में। खुद इसके लिए बहुत आप लोग से आभारी हूँ कि बहुत गलती मेरे से हो रही है, लाइव भी नहीं कर पा रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ अभी कि मैं अपना भी टाइम वॉच पूरा कर लूँ। अब मैं तेल गर्म हो गया है, ये छोटा पूड़ी डाल के चेक की हूँ, तो मैं फटाफट पूड़ियाँ भी बना लूँगी क्योंकि 9 बजे का ही तक टाइम था। तो वही सुबह फटाफट कर रही हूँ, अभी तो काम भी बढ़ गया ना, मेरे घर में 2 पेट आ गए हैं तो उन लोगों को भी देखना पड़ता है। तो मैं पूरी कन्या पूजन जैसा ही तैयारी की थी, लेकिन बस कन्या नहीं खिलाई थी क्योंकि बहुत रिस्की है और मैं दूसरे के रिस्क नहीं ले सकती हूँ, तो उसमें मैं माँ दुर्गा को ही भोग लगा के और घर में हम लोग पूरा भोजन कर लिए। वही था, इधर में मंदिर में भी पूजा वगैरह नहीं हो रहा था, 1-2 मंदिर में हो रहा था, तो हम लोग नहीं गए दर्शन भी करने क्योंकि बहुत ये चल रहा है ना, तो अपना ही सेफ्टी सबसे ज़्यादा ही ज़रूरी है। मैं फटाफट पूड़ियाँ बना रही हूँ, आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो गाइस, आप लोग मेरे जितना भी फैमिली है, व्यूअर्स है, तो सबसे यही अनुरोध है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मेरा टाइम वॉच बहुत नीचे है।
बहुत डर भी लग रहा है कि मेरा 6 मंथ ऐसा कुछ निकल गया है। अभी बहुत नीचे हूँ मैं और वीडियो भी डेली नहीं डाल पा रही हूँ, और देखने के भी कोशिश करती हूँ तो टाइम ही नहीं मिलता है कि आप लोगों को भी देखने आऊँ। तो देखती हूँ, ऐसा नहीं है दिन में भी, फिर भी मैं नहीं भी तो 10 वीडियो देख ही लेती हूँ और कमेंट भी कर देती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और बुरा मत मानिएगा, मैं अपनी प्रॉब्लम रख दे रही हूँ आप लोगों के पास में। और मेरा ही प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग का भी प्रॉब्लम ही होगा, ऐसा नहीं है। तो मैं फटाफट गाइस पूड़ियाँ बना ले रही हूँ और उसके बाद से मैं अपनी पूजा में लग जाऊँगी। टाइम भी देख रही हूँ कि कितना टाइम और बचा है, टाइम देखती हूँ मुहूर्त के हिसाब से, उस हिसाब से करती हूँ। देखिए गलतियाँ तो सबसे होती है, लेकिन फिर भी एक आदमी का ये होता है ना कि इतना टाइम तक मुहूर्त है तो इतना टाइम तक हमको ये कर लेना है, तो कर रही हूँ ये फटाफट कि चलिए मैं कन्या पूजन तो नहीं कर पाई लेकिन माँ दुर्गा को भोग लगा दूँगी। तो वही सुबह का ही भोग लगाऊँगी, यही खीर पूड़ी लगाऊँगी भोग। और दशमी भी और नवमी सेम था, मैं दिखा रही हूँ आप लोग से कि देखिए पूड़िया फूल रही है, जल्दी जल्दी में फूल रही है। मैं पूजा देखिए कर ली हूँ, भोग लगाई हूँ, जो खीर पूड़ी बनाई थी माँ दुर्गा हैं, और मैं सब चढ़ाई हुई हूँ जो सिंगार का सामान भी होता है। देखिए दिख रहा है ना, मेहंदी चूड़ी बिंदी सिंदूर ये सब चढ़ाई हूँ, और ये चुनरी वगैरह। तो छोटी सी मंदिर है वो मैं आप लोग से दर्शन करा रही हूँ, लास्ट है। देखिए मैं कोशिश करूँगी, यही आप लोग से बोल रही हूँ कि वीडियो डालने के लिए मुझे, मैं बुक पढ़ती हूँ, दुर्गा चालीसा है तो वही मैं पढ़ रही हूँ, पूजा करने के बाद पढ़ती हूँ। मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ कि पूरी अच्छे से नहीं आ पा रही थी आवाज़, और मेरे घर में तो बैठे डॉग ही है ना, तो वो लोग बहुत चिल्ला रहे थे, मेरे बगल में ही बैठे हुए थे, बांध के रखी थी, अभी वो लोग छोटे हैं ना तो बहुत चिल्ला रहे थे, इसीलिए मैं वॉइस ओवर नहीं कर, सॉरी वॉइस ओवर कर रही हूँ, पूरा अपनी आवाज़ नहीं सुना रही हूँ आप लोग से, नहीं तो अच्छे से मैं पढ़ती हूँ बुक। तो वही आप लोग से शेयर करूँ, तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और मेरे वीडियो पर आप लोग आइएगा। आरती कर रही हूँ तो मेरी पूजा हो गई है ख़त्म, और आप लोग को भी आरती दूंगी, तब प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और सपोर्ट करिएगा, अच्छा लगने से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं। अभी मैं बहुत पीछे हूं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं आप लोग से, तो सबसे यही अनुरोध है। मेरी आरती हो गई, अब आप लोग को भी मैं आरती दूंगी, तो प्लीज़ आप लोग भी मेरे जितने व्यूअर्स है फैमिली है आरती आप लोग ले लीजिए। देखिए